ओके चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अपन चलते हैं अपने चार्ट पे। चार्ट 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 बिजनेस कॉम्बिनेशन चार्ट। बॉस तुम लोगों को बुक खोलनी पड़ेगी, सामने रखना पड़ेगा, ठीक है, और एक बुक मुझे भी दे दो। ये गिर गया आशा कलेक्शन, हमारे इसमें से कपड़ों की दुकान वो कुछ भी था, ये क्या है पता तो नहीं, कोई कलेक्शन है, लेडीज सूट समथिंग समथिंग फाइव 37। अच्छा ओके, इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल वगैरह है और अनरियलाइज प्रॉफिट वगैरह। इससे पहले हमने कहा था मल्टीपल एक्विजिशन बना लिया था क्या? कहाँ है? अच्छा स्टेप एक्विजिशन, ठीक है, ये बेसिक्स हो गया, फिर एलिमेंट्स ऑफ डेटा ऑफ एक्विजिशन वो सब हो गया, और स्पेशल एडजस्टमेंट हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड हो गया था क्या? हाँ ठीक है चलो आप। चलो अपन अब स्टार्ट करते हैं, किस किस चीज का? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। अच्छा क्या हेडिंग डालें, क्या हेडिंग डालूं? नहीं मैं सोच रहा हूं कि ना एक ही चार्ट में सब इकट्ठा बनाते हुए जाऊं, एक ही चार्ट में सब इकट्ठा बनाते हुए जाऊं। अपन ने क्या स्पेशल एडजस्टमेंट करके बनाया था क्या? तो ठीक है ना, अपन ना इसी को करते हैं स्पेशल एडजस्टमेंट करके। स्पेशल एडजस्टमेंट पार्ट टू, स्पेशल एडजस्टमेंट पार्ट वन था ना वो वाला, उसको पार्ट वन बोल दो। क्या हुआ बोलना, कोई डाउट है? पक्का स्पेशल एडजस्टमेंट पार्ट वन था वो वाला? ठीक है इतनी मस्त लाइन खींच सकते हो तुम लोग? नहीं हाँ बोलो। सबसे पहले हाँ इसको हेडिंग अनरियलाइज मत दो, हेडिंग दो एलिमिनेशन। ऑफ इंट्रा ग्रुप आइटम्स एंड प्रॉफिट देयर ऑन। एंड प्रॉफिट देयर ऑन, इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले तो
इंट्रा ग्रुप असेट्स एंड लाइबिलिटीज शैल बी ऑफसेट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? डेटर्स, क्रेडिटर्स, सेल्स, परचेजेस, ठीक है ना. और दूसरा दूसरा हेडिंग दो, अनसोल्ड स्टॉक. अनसोल्ड स्टॉक इसमें दो चीजें हैं, आई थिंक एक था अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, कुछ याद आ रहा है, और एक था डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन. व्हाट वाज द अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन एंड डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, क्या था? अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा है ना, एस टू एच. हाँ, क्या करेंगे? चेंजेस इन चेंजेस वाले कॉलम से हटाएंगे, और कहां कहां से हटाएंगे? और स्टॉक से. तो एंट्री करके करके छोड़ देते हैं, एंट्री कर लेते हैं सीधा सीधा, ठीक है ना. क्या एंट्री करेंगे? पी एंड एल ऑफ अक्वायरी पोस्ट टू स्टॉक. अच्छा, इसको एरो दे दो, लिख दो चेंज कॉलम. चेंज कॉलम फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स. अच्छा, ऊपर एक हेडिंग, ऊपर एक और बात डाल दो, कंसीडर ओनली दोज ट्रांजैक्शंस कंसीडर ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच अकर्ड आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन. हाँ, इसकी एंट्री बोलो डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम बोलो क्या होगा? कंसोलिडेटेड पीएंडएल डेबिट टू स्टॉक. ठीक है, गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल क्या है? जिसने प्रॉफिट अर्न किया था वो अपने पीएंडएल से निकालेगा. गोल्डन रूल, कंपनी हु अर्नड द प्रॉफिट शैल eliminate it from its P&L. चलिए, ये पहला बना elimination of intra group items and profit thereon. Next, next क्या था? इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल. गुडविल का इंपेयरमेंट क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, जल्दी बोलो क्या करेंगे, कैसे करेंगे?
सबसे पहले तो एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, याद आ रहा है ना? सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ, एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड सिंस, क्यों? इट इज नॉट अमोर्टाइज्ड। अमोर्टाइज तो करते नहीं है, इसीलिए एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। बोलो बेटा। अच्छा, गुडविल इंपेयरमेंट की इफ, हां दो, फुल कंसल, फुल फुल गुडविल मेथड, पार्शियल गुडविल इंपेयरमेंट टेक्निक, टेक्निक दो टेक्निक बोलो, फुल गुडविल पार्शियल गुडविल। अगर आपने फुल गुडविल मेथड से आपने एनसीआई निकाला था, और वो फुल गुडविल मेथड मतलब आपने एनसीआई निकाला था फेयर वैल्यू के बेसिस पर, तो आप क्या करोगे? जो गुडविल का इंपेयरमेंट हो रहा है उस इंपेयरमेंट लॉस को बांटोगे दोनों में, किसमें किसमें? कंसोलिडेटेड पीएनएल होल्डिंग वाले में और एनसीआई में। तो एंट्री बोलो, कंसोलिडेटेड पीएनएल ऑफ पेरेंट डेबिट एनसीआई डेबिट टू गुडविल। फुल गुडविल मेथड है तो हमें गुडविल का इंपेयरमेंट डिवाइड करना है दोनों में, और अगर पार्शियल गुडविल मेथड है तो कंसोलिडेटेड पीएनएल डेबिट टू गुडविल। इंटायर इंपेयरमेंट शैल बी बॉर्न बाय पेरेंट ओनली। ये हो गया आपका इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, और तो कुछ नहीं था ना इसमें? ठीक है, और आगे बढ़ो। डिस्पोजल, यस, डिस्पोजल। हाँ, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ शेयर्स में दो चीजें, विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल। क्या होता है ये विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल? होता क्या है? पी हैज 90 सोल्ड 20, बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, इससे क्या होगा? इट विल अफेक्ट ओनली, बोलो, इफेक्ट ओनली एनसीआई। एनसीआई विल बी इंक्रीज्ड, एनसीआई विल बी इंक्रीज्ड। और डिफरेंस बिटवीन, दो चीजों का डिफरेंस था, डिफरेंस बिटवीन क्या? डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन एनसीआई। एनसीआई कैसे बढ़ाओगे भाई? 90 से 70 हो गया तो 20% से बढ़ गई, तो 20% ऑफ नेट असेट्स करोगे या 20% ऑफ फेयर वैल्यू करोगे? तो उतने से बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन एनसीआई प्रोपोर्शनेट।
प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट असेट और फेयर वैल्यू, एंड दूसरी चीज क्या, सेल प्रोसीड्स, कहां जाएगा? डेफिनेटली ये दोनों कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा बेटा, विथ लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं है वो, विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल है, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। कहां जाएगा? अदर इक्विटी। कहां जाएगा? अदर इक्विटी। एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एनसीआई, हाँ, टू अदर इक्विटी। ठीक है, नेक्स्ट। विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल क्या होगा? सॉरी, विथ लॉस ऑफ कंट्रोल क्या होगा? हाँ, दो बातें, एक हेडिंग, डी रिकॉग्नाइज, एक हेडिंग रिकॉग्नाइज, क्या क्या? नेट असेट्स, गुडविल, ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, एनसीआई। अच्छा, डी रिकॉग्नाइज कहां से? हाँ, फ्रॉम सी एफ एस, रिकॉग्नाइज इन सी एफ एस। हाँ, क्या रिकॉग्नाइज करेंगे? बैंक अकाउंट एक तो, दूसरा रिटेन्ड इन्वेस्टमेंट्स इफ एनी एट फेयर वैल्यू। किस दिन की फेयर वैल्यू? किस दिन की फेयर वैल्यू? डेट ऑफ डिस्पोजल। और डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पेरेंट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पेरेंट। अब क्या? वो लिख रहा हूं, फर्दर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, ब्रैकेट में लिख दो, कंट्रोल नॉट अफेक्टेड, एंट्री बताओ तुम तो डायरेक्ट। भाई फर्दर खरीदोगे, कंट्रोल अफेक्ट नहीं होगा तो एनसीआई गिरेगा, एनसीआई कितना गिरेगा? प्रोराटा, एनसीआई कितना गिरेगा? प्रोराटा टू बैंक, और डिफरेंस किस में जाएगा?
अदर इक्विटी। बेटा सिंपल सा रूल है, जब कंट्रोल अफेक्ट नहीं होता तो किसी भी तरीके से आपको पीएनएल का चेहरा नहीं दिखाना है। कंट्रोल इफेक्ट हुआ तो पेंडल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या? चेन होल्डिंग। क्या पढ़ा था बताओ? चेन होल्डिंग क्या पढ़ा था? चलो टेल मी द गोल्डन रूल ऑफ। मैंने गोल्डन रूल क्या बताया था? गोल्डन रूल था ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अल्टीमेट पेरेंट। वाइल कंसोलिडेटिंग ऑल डायरेक्ट ऑब्लिक इनडायरेक्ट सब्सिडरीज। यही था तो उसमें हम कैसे निकालते थे? सब सब्सिडरी में पेरेंट का शेयर कैसे निकालते थे? सब सब्सिडरी में पेरेंट का शेयर कैसे निकालते थे? पेरेंट्स शेयर इन सब सब्सिडरी। सब सब्सिडरी कैसे निकालता था? सब शेयर ऑफ सब्सिडरी इन सब सब्सिडरी इनटू शेयर ऑफ पेरेंट इन सब्सिडरी। शेयर ऑफ सबसी इन सब सबसी। पूरा नहीं लिख रहा हूं, सबसी मतलब सब्सिडरी। शेयर ऑफ सबसी इन सब सबसी इनटू शेयर ऑफ पेरेंट इन सबसी। और एनसीआई के से निकालते हैं एनसीआई शेयर इन सब सबसी। 100% माइनस माइनस अबव पेरेंट शेयर। इसमें एक और चीज थी, दो एडजस्टमेंट थे ना, दो एडजस्टमेंट कहां कहां जाते हैं? सब्सिडरी के एनसीआई में और गुडविल कैपिटल तो बनाते टाइम। एडजस्टमेंट इन चेन होल्डिंग। व्हाइल कैलकुलेटिंग
गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व ऑफ किसका? सब सब्सिडरी, सब सब्सिडी, क्या करना है? टेक प्रपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट्स, सही बोल रहा हूं कि नहीं? टेक प्रपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट्स ओनली, ठीक है? प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट ओनली, समझ जाओगे इतने से? क्या सब्सिडरी का, सब सब्सिडरी में जो इन्वेस्टमेंट है उसका पेरेंट का शेयर? अरे मैं इसको और इलेबोरेट कर लेता हूं। इन्वेस्टमेंट बाय सब्सिडी इन सब सब्सिडी इनटू पेरेंट शेयर। अगर खुद का पेरेंट का भी शेयर है डायरेक्ट तो वो भी ऐड कर देंगे, ठीक है? हाँ, दूसरा, वाइल कैलकुलेटिंग एनसीआई ऑफ, किसका कैलकुलेट कर रहे हो? सबसी, यस, सब 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 सबसी नहीं, सब्सिडरी, मतलब डायरेक्ट सब्सिडरी, ऐड की डिडक्ट, ऐड की डिडक्ट, डिडक्ट द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट टेकन इन गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन। डिडक्ट रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन फ्रॉम एनसीआई वैल्यू। आई थिंक यही था। दिस इज चेन होल्डिंग। बोलो बोलो। ओके, हाँ बोलो। अभी तो 6 बजे है। इतनी घड़ी आगे है भाई, चलो एक करवा के जाओ एडजस्टमेंट, आप ही बताओ। बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा एडजस्टमेंट बताओ, छोटा मोटा नहीं, जल्दी भाग जाएगी नहीं तो। ओके, रिवर्स एक्विजिशन और सीसीबीसी। रिवर्स एक्विजिशन बताओ, चलो बेटा आप ही बताओ, रिवर्स एक्विजिशन जल्दी बोलो। रिवर्स एक्विजिशन बोलो। क्या बोलो? रिवर्स एक्विजिशन, सबसे पहले आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द एक्चुअल अक्वायरर। जानबूझ के वर्ड अपन का होना चाहिए, एक्चुअल अक्वायरर, हु गॉट कंट्रोल, दैट इज अकाउंटिंग अक्वायर, ठीक है मैडम?
अच्छा एंटिटी हु इश्यूज शेयर्स इज लीगल अक्वायरर, यही था। हाँ अच्छा, अब क्या करने का? अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या करने का? अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट बोलो। हाँ ये सब बैलेंस शीट वैलेंस बनेगी लीगल कंपनी के नाम से और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एक्वायर, ठीक है वो सब ठीक है। मैं मुद्दे की बात पे आओ, क्या करने हैं? अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट लिखो। असेट्स लाइबिलिटीज इक्विटी अदर इक्विटी ऑफ किसका? अकाउंटिंग अक्वायरर एट कैरिंग अमाउंट ओनली। कैलकुलेट फेयर वैल्यू। यार फेयर वैल्यू को ना मैंने चार्ट बनवाया था, वो लिखवाया था आज सुबह ही सुबह, मतलब आज स्टार्टिंग में ही यार, सॉरी मतलब कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखवाया था मैंने यार, नहीं लिखवाया था क्या? कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग अक्वायरर। मैंने बेटा आज ही लिखवाया था, दो अलग अलग तरीके होते हैं, मर्जर होगा, टेक ओवर होगा, टेक ओवर में एक्सचेंज रेशियोज दिए रहेंगे। सुबह आज आते साथ गुड मॉर्निंग करके, हाँ तो उसको इसमें चिपका देने का, नहीं लिखवा रहा हूं मैं। कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग अक्वायरर। हाँ? टेक्निकली ये नोशनल होता है, नोशनल पीसी, मतलब ये एक्चुअल पीसी नहीं है, ये क्या होता है? नोशनल पीसी। अच्छा रिकॉर्ड असेट्स लाइबिलिटीज ऑफ लीगल अक्वायरर एट फेयर वैल्यू। इसमें एक और पॉइंट, रिकॉर्ड गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालते हैं गुडविल कैपिटल रिजर्व? ए बी सी का वन, तो बी माइनस सी का वन, शॉर्टकट ही कर ले यार, बी माइनस सी सी वन बोलो। यही था ना? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो बोलो बहन। सीसीबीसी, इसके बाद तुम चले जाना बस, नहीं तो इसके बाद बस चले जाना, कोई नहीं। सीसीबीसी 2 मिनट का है, एक तो सीसीबीसी बोलने में ऐसा लगता है, लगता है गाली दे रहे हैं किसी को।
कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन अपेंडिक्स। हाँ सी ऑफ इंड एस 103 सीसीबीसी क्या करते हैं, मीनिंग क्या होती है? कंट्रोल एग्जिस्ट विथ सेम पार्टी, कंट्रोल एग्जिस्ट विथ सेम पार्टी। कौन सा मेथड लगाएंगे? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। क्या होता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड? ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, ट्रांसफरी मतलब यहां पर एक्वायरर। ट्रांसफरी क्या करेगा? रिकॉर्ड असेट्स, लाइबिलिटीज और रिजर्व्स, एट रिजर्व्स ऑफ ट्रांसफरर एट सेम बुक वैल्यू। रिकॉर्ड परचेज कंसिडरेशन अग्रीड। मैंने इस पे भी कल आपको कुछ लिखवाया था क्लास में, सीसीबीसी में परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं और उसका अलोकेशन कल ही लिखवाया था। रिकॉर्ड परचेज कंसिडरेशन अग्रीड, डिफरेंस ऑफ अबव टू शैल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट। ट्रांसफरर, ट्रांसफर क्या करेंगे? डी रिकॉग्नाइज असेट्स एंड लाइबिलिटीज, डी रिकॉग्नाइज असेट्स एंड लाइबिलिटीज। बोलो बेटा, एंड रिजर्व्स अगर रिजर्व्स भी हैं तो, एंड डिफरेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जाना है, चले जाओ, अब मैं रोका ही नहीं हूं। हाँ और बोलो। ये गिर गया था। हाँ और क्या था मैडम, बुक दे दो ना। हाँ और क्या था? एक डीमर्जर था। चलो बाय बाय। ओके okay। वो तो ऐसे डी मर्जर था ना। तुम क्या क्या बोल रहे थे? और शेयर बेस्ड पेमेंट भी बोल रहे थे। एक शेयर बेस्ड पेमेंट और एक डी मर्जर लिख देते हैं ना। हाँ नहीं, डी मर्जर लिख लेते हैं यार।
डीमर्जर में दो होती हैं कंपनीज, एक होती है डीमर्ज्ड कंपनी, एक होती है रिजल्टेंट कंपनी। जो रिजल्टेंट कंपनी होती है वो न्यू न्यू कंपनी होती है ना, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होती है। हाँ, डीमर्ज कंपनी क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिस्ट्रीब्यूट नेट असेट ऑफ डिवीजन, डीमर्ज्ड डिस्ट्रीब्यूट करती है। हाँ, एज डिविडेंड, यही बोला था ना अपन ने, एज डिविडेंड। तो क्या एंट्री पास करती है? रिजर्व्स एंड सरप्लस टू डिविडेंड पेबल, और इसके अलावा इन डेस 105 लगाती है, हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल लगाती है ना। नेट असेट्स हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर्ड एट लोअर ऑफ व्हाट, कैरिंग अमाउंट एंड फेवरलेस कॉस्ट, पीएनएल टू नेट असेट्स, और सबसे लास्ट में क्या करती है? डिविडेंड पेबल डेबिट टू नेट असेट्स। बोलो दूसरी कंपनी कौन होती है? रिजल्टेंट कंपनी क्या फॉलो करेगी? ये फॉलोज इन डेस 103 एक्विजिशन मेथड, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड नहीं, तो क्या करेगी? रिकॉग्नाइज नेट असेट्स एट फेयर वैल्यू, रिकॉग्नाइज पीसी टू शेयर होल्डर्स एट फेयर वैल्यू, डिफरेंस गुडविल गेन फ्रॉम बार्गेन परचेस। ठीक है, और क्या है? क्या था शेयर इन्वेस्टमेंट का? किसके शेयर बेस्ड अवार्ड्स रिप्लेस होके किसके आ जाते हैं?
अक्वायरी के शेयर बेस अवार्ड्स को हटा के अक्वायरर के शेयर बेस अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ अक्वायरी, ऐसे होता है ना, तो क्या लिखेंगे? शेयर बेस्ड अवार्ड्स रिप्लेसमेंट ड्यू टू बिजनेस कॉम्बो कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसमें ओरिजिनल अवार्ड मतलब किसके होते हैं? ग्रांटेड बाय अक्वायरी बिफोर बिजनेस कॉम्बो, और दूसरा रिप्लेस्ड अवार्ड्स। रिप्लेस अवार्ड्स किसके होते हैं? ग्रांटेड बाय अक्वायरर एट द टाइम ऑफ बिजनेस कॉम्बो। चलो क्या करना है अब इसको? रिप्लेस्ड अवार्ड्स के दो हिस्से होंगे, याद आ रहे कि नहीं? रिप्लेस्ड अवार्ड्स के दो हिस्से होंगे, प्री कॉम्बो प्री कॉम्बिनेशन पीरियड पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड। प्री कॉम्बिनेशन पीरियड एक्सपेंस पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड एक्सपेंस। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, प्री कॉम्बिनेशन पीरियड एक्सपेंस को क्या बोलेंगे? पार्ट ऑफ पीसी। हाँ ठीक है, बोलो कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड्स, बोलो बोलो, वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स वेस्टेड डिवाइडेड बाय हायर ऑफ क्या? हायर ऑफ वेस्टिंग पीरियड ऑफ ओरिजिनल अवार्ड एंड रिप्लेस्ड अवार्ड। और पोस्ट कॉम्बिनेशन क्या निकालेंगे? टोटल रिप्लेस्ड अवार्ड्स वैल्यू लेस प्री कॉम्बिनेशन पीरियड। क्या होगा इससे? जो भी वैल्यू निकलेगी, दिस इज एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड बाय अक्वायरर। यही था ना बस, और कुछ तो नहीं था?
हाँ रियक्वाड्रेट छोड़ दो, और क्या था? डिविडेंड, कौन सा डिविडेंड? वो तो आज ही किया अपन ने, ठीक है। चलो भाई हो गया आपका। सो दिस इज योर बिजनेस कॉम्बिनेशन चार्ट कंप्लीट, ठीक है ना? चलो बॉस आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। अगली क्लास इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर्स, इंडिया 28 एंड इंडिया 111।